शहर मोहम्मद से ये खबर आ रही है, बनकर शिफा की कोई हवा आ रही है, मरीज वबा को मिलेगी जिससे राहत। हाँ, अरब से हिंद में वही हवा आ रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। वेल दोस्तों, आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। ये देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है। पूरे विश्व में तेल निर्यातक में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी ज्यादा है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक तेल भंडारों पर आधारित है। एक समय था जब यहाँ पर रेगिस्तान हुआ करता था, आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। आज भले ही सऊदी अरब अमीरों का देश कहा जाता है, जहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है, लोगों के पास एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार्स हैं, यहाँ के लोगों को सोने से बहुत ज्यादा प्यार होता है, शेर और चीते जैसे जानवरों को ये पालते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज साल 1938 में की गई और उसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हो गया। उससे पहले देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर। दोस्तों, साल 1930 में किंग अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की। जब तक सऊदी अरब में तेल भंडार की खोज नहीं हुई थी और तेल के पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, जहाँ के लोग कच्चा भोजन खाते थे और खेती बाड़ी के जरिए लोग अपना गुजारा करते थे। आज यहाँ पर आलीशान घर बने हुए नजर आते हैं। वहाँ पहले मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियाँ नजर आया करती थी, लोग हस्तशिल्प के कामों से भी जुड़ गए थे। इसके अलावा सऊदी अरब अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम बड़े पैमाने पर होता था। इस देश के बहुत सारे लोग काम करने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न देश जाया करते थे। इन देशों में ये लोग गाड़ी धोने जैसे काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे। उस समय सऊदी अरब का आमदनी का मुख्य जरिया मक्का मदीना से होने वाली आय थी। इस्लाम धर्म में हमेशा से ही मक्का मदीना को एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, जहां साल भर में लाखों लोग हज की यात्रा पर आते हैं, जिससे यहां के रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। हज जाने वाले लोगों और आने वाले लोगों से सऊदी अरब के बहुत ज्यादा लोग कमाई करते हैं और कई सालों तक ऐसा ही इस देश में चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के पास थे जो उनके घरों के आगे होते थे। रेगिस्तान होने के कारण ये सभी में धीरे धीरे सूखने लगे। अभी इस देश में अधिकतर जगह बिजली नहीं पहुंची है। साल 1950 तक सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि एक डॉक्टर अब्दुल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर की डॉक्टर के साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, वो हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब सोते समय भी उनके पास गले में कैमरा लटका रहता था। अब्दुल अजीज के इलाज के लिए जब सऊदी अरब गए तो उन्होंने इस देश की कई तस्वीरें अपने कैमरा में कैद कर ली, उनमें से कुछ फोटोज तो आज भी उपलब्ध हैं। इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात उस समय कैसे थे। लोग तस्वीरों में ऊंट पर सामान लादते नजर आते हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरब की ये पहली रंगीन तस्वीर हुआ करती हैं। हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें देखकर काफी कुछ देश के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, लोग उस समय फुटपाथ पर और सड़क पर दुकानें लगाया करते थे और सामान बेचते थे। हालांकि बहुत ज्यादा व्यापार उस समय सऊदी अरब में नहीं हुआ था। एक जगह से दूसरी जगह पर पानी पहुंचाने के लिए टैंकर का इस्तेमाल होता था। लोगों ने मिट्टी की वजह से पत्थर के घर बनाने शुरू कर दिए थे। सड़कों की हालत बहुत खराब थी। लोगों के अपने रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग अनपढ़ थे और कबीलों में रहते थे। अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बाजों के साथ खेला करते थे या शिकार पर निकल जाते थे। बहुत अधिक संसाधन लोगों के पास नहीं थे, जैसे तैसे लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। साल 1976 के बाद यहाँ के हालात में बदलाव आना शुरू हुआ, जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में वृद्धि हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मांग से सबसे ज्यादा सऊदी अरब को ही फायदा हुआ। उसके बाद देश ने अपने यहाँ आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने कई गलतियां भी की, क्योंकि पैसा आते ही सऊदी अरब के सरकार ने लोगों के खाने के सबसे ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दी। अधिकतर लोग देश में अपने यहाँ के निकालने वाले तेल के काम से जुड़ गए और इसके आगे की स्थिति आप लोगों के सामने है। आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है, वहाँ का सफर आसान नहीं रहा। तुर्की के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जा सकती है। वो दुश्मनी आज से नहीं है, बल्कि सैकड़ों सालों से है। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों के दौरान इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार पर काफी जोर रहा और लोग बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म कबूल करते रहे और धीरे धीरे अब के लोग एक अलग पहचान बनाने लगे। हालांकि ये पहचान अमीर और गरीब के लिए नहीं थी,
दोस्तों साल 1938 में एक अमेरिकी तेल कंपनी ने सऊदी अरब में तेल की खोज की। सऊदी अरब में दाहरन में विश्व की सबसे बड़े तेल के कुएं की खोज होने के बाद सऊदी के दिन बदल गए। यहां की अर्थव्यवस्था ने तेजी से करवट ली। सऊदी अरब विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। जिन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे उन पर पैसों की बारिश होने लगी। जो देश भारत से खजूर मोती और सीप के कवच के बदले भोजन और कपड़े लेते थे वो खुद अब तेल से मिले पैसों की बदौलत सबसे तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बन गए। तेल की बदौलत ही सऊदी में सब कुछ बदल गया। खाने पीने की बेहतरीन सुविधाएं, अत्याधुनिक हॉस्पिटल, मॉल, होटल आदि बहुत कुछ समय में बन गए। लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और रूढ़िवादिता को नारे कर दिया। साल 1970 तक सऊदी में तेल के नए स्रोत मिलना जारी रहा। हालांकि उसके आय की जानकारी सऊदी सरकार नहीं देती कि उसके यहाँ कितना तेल भंडार है और ये भंडार कितने दिनों तक के लिए। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में नए नए तेल के ठिकाने मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है क्योंकि सऊदी सरकार इसकी सही जानकारी नहीं देती। भारत अपने तेल की जरूरतों का 84% आयात करता है और खपत के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों वैसे भी हाल फिलहाल में ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे सऊदी अरब का तेल भंडार खत्म हो सके। सऊदी सरकार को तेल के नए भंडार मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने खुद को एक अत्याधुनिक देश के रूप में विकसित कर लिया है। वहाँ एक आलिशान जीवन जीने के सारे कारण मौजूद हैं। इसलिए पूरा विश्व सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो हो रही है। हालांकि टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति आने के कारण सऊदी अरब की इकोनॉमी को झटका लग सकता है और वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक वाहन। तेल के आए दिन बढ़ती कीमतों से परेशान कंपनीज ने तेल के अल्टरनेटिव की खोज में कई साल लगाए और उसका परिणाम ये रहा कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में आ गए। इलेक्ट्रिक वाहन आने से लोगों की तेल के ऊपर निर्भरता कम होगी। धीरे धीरे पूरा विश्व तेल के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करने और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत जोर दे रहा है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन यूं ही बढ़ते गए तो ये सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा और उनको मिलने वाला अथाह पैसा का सोर्स बंद हो जाएगा। इस स्थिति में सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी से बचाने और खुद को दौड़ में बनाए रखने के लिए नए सोच ढूंढने पड़ेंगे। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब तेल के भंडार होने के बावजूद अरब देश फिर से 1938 से पहले की स्थिति में पहुंच जाए। दोस्तों हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। दोस्तों सऊदी का तेल भंडार पिछले 5 दशकों से तेल विशेषज्ञों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को सऊदी की सरकार ने जो अनुमानित भंडार की जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रमाणित तेल भंडार 266 अरब बैरल्स है। ओपेक ने 2015 में अपनी वार्षिक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी थी। अगर ये नंबर सही है तो औसत 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों को लेकर पर्याप्त संदेह है। इसकी वजह यह है कि 1987 में सऊदी ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल कर दिया। स्टैटिस्टिकल्स रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी 94 अरब बैरल तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है, फिर भी आधिकारिक रूप से उसका भंडार 260 से 265 अरब बैरल ही है। दोस्तों अगर सरकार का डेटा सही है तो उसका मतलब यह हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे हैं या फिर अनुमानित भंडार को बढ़ा दिया है। अनुमानित भंडार को बढ़ाने का एक आधार ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल का उत्पादन हो रहा है वहीं और तेल है, या फिर अब तक जितने तेल निकाले गए हैं उसकी आपूर्ति फिर से हो गई है। लेकिन सऊदी में 1936 से 1970 के बीच ही तेल भंडार के विशाल और बेशुमार ठिकानों की खोज की गई। इसके बाद इसकी तुलना में सऊदी में तेल के नए ठिकानों की खोज नहीं की गई। समस्या यह है कि जहां तेल उत्पादन हो रहा है उसका लेखा जोखा और अनुमानित भंडार सरकार काफी गोपनीय रखती है। इसकी जानकारी भीतर के गिने चुने लोगों की होती है। ऐसे में किसी भी तथ्य की पुष्टि करना संभव लगता है। तेल विश्लेषकों की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान है। तो इस बात को बताने की हालत में नहीं है कि सऊदी में तेल उत्पादन कब गिरना शुरू होगा। सऊदी अभी सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है। इससे उस भविष्यवाणी को झटका लगता है जिसमें बताया गया था कि सऊदी का तेल उत्पादन शिखर पर जाने के बाद नीचे आ जाएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।